2024 की टॉप बेस्ट 12 गाड़ियां लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ में, और मिड ईयर से नेक्स्ट 3 मंथ तक होता है ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए कुछ खास, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाता है साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन। और इस स्पेशल टाइम पीरियड में देश की सभी टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपने बेस्ट प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करने वाली हैं, और अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर तक लॉन्च होने वाली ये 12 नई शानदार गाड़ियां इस बार कुछ होने वाली हैं खास, क्योंकि इसमें एंट्री लेवल बजट सेगमेंट से लेकर मिड बजट और लग्जरी सेगमेंट की सभी गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा। और इसमें फर्स्ट बड़ा लॉन्च होने वाला है एक ऐसे ब्रांड का जो अपनी टॉप मोस्ट पावरफुल, कंफर्टेबल और एडवांस गाड़ियों के लिए जाना जाता है। और फर्स्ट टाइम ये ब्रांड लाने वाला है एंट्री लेवल सेगमेंट में देश की सबसे एडवांस गाड़ी, जो मार्केट में अवेलेबल टाटा हुंडई और मारुति की एंट्री लेवल की स्विफ्ट टियागो और i10 नियोस जैसी गाड़ियों के तगड़े टक्कर देने वाली है। और फर्स्ट टाइम एमजी मोटर्स लाने वाला है स्विफ्ट के बजट सेगमेंट में वर्ल्ड क्लास के एडवांस फीचर्स और लुक से लैस अपनी MG3 न्यू कार। और इस गाड़ी की अगर फीचर्स की बात करें तो ये कार लग्जरी लुक के साथ में स्पोर्टी बॉडी टाइप में आने वाली है, जो मिड वर्ग के कस्टमर को देखते ही भा जाने वाली है। और एमजी मोटर्स अपनी एडवांस एसयूवी की तरह इसमें भी इनबिल्ट इंटरनेट की फैसिलिटी देने वाला है, यानी सेगमेंट फर्स्ट इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं। और 10.2 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कार में सनरूफ का फीचर्स और ईपीएस और एबीएस जैसे सभी फीचर्स होने वाले हैं। और सेगमेंट फर्स्ट 1.5 लीटर का पावरफुल इंजन आपको मिलने वाला है स्विफ्ट बलेनो को टक्कर देने वाली एमजी की MG3 न्यू कार में, जो 110 bhp की पावर और 140 nm का टॉर्क देगा। और इस कार की तमाम खूबियों में से एक है इसकी स्पीड भी। ये कार मात्र 10.4 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार गेन कर पाएगी। और मिड वर्ग कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इस कार में 5 स्पीड का मैनुअल और 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा। प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स 7 लाख के आसपास इसका प्राइस होने वाला है, यानी मार्केट की तमाम एंट्री लेवल की गाड़ियों को तगड़ी टक्कर देने के लिए एमजी मोटर्स का ये बड़ा धमाका होने वाला है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर लॉन्च होने वाली है एक ऐसी गाड़ी जो अपकमिंग टाटा मोटर्स की पोर्टफोलियो की सबसे स्मार्ट गाड़ी टाटा कर्व को सीधे सीधे टक्कर देने वाली है, और ये है सिट्रोन वेसाइड। और इसके बारे में जो फीचर्स अपडेट किए गए हैं उसके अनुसार इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा फ्रंट और रियर में भी आर्मरेस्ट मिलने वाला है, और पीछे के आर्मरेस्ट पर फोन होल्डर भी होगा, और हेडरेस्ट लेटरल सपोर्ट देंगे, और गाड़ी में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होगा। और सिट्रोन वेसेल्ट में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन होने वाला है, जो 109 bhp की पावर, 205 nm का टॉर्क देगा, और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आने वाला है। तो कूपे स्टाइल की इस गाड़ी का सीधा सीधा मुकाबला टाटा मोटर्स की अपकमिंग कर्व ईवी से होने वाला है। और थर्ड नंबर पर लॉन्च होने वाली है मोस्ट लग्जरियस, पावरफुल और कंफर्टेबल गाड़ी, जिसे निशान इंडिया लाने वाला है सीधे सीधे फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को तगड़ी टक्कर देने के लिए, और यह है निशान की एक्स ट्रेल 2024, जिसमें 12 वोल्ट का हाइब्रिड सिस्टम भी होगा। ये इंजन 160 bhp की मैक्सिमम पावर, 300 nm का टॉर्क देने वाला है, साथ ही इसमें इको, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट जैसे 3 ड्राइविंग मोड मिलने वाले हैं। और निशान एक्स ट्रेल का इंटीरियर भी फीचर्स लोडेड होने वाला है 3 रो वाली इस SUV को, जो इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRBM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड और वायरलेस चार्जिंग मिलने वाली है। और बाकी फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 7 एयरबैग और एडजस्टेबल फ्रंट सीटें शामिल की गई हैं। तो निशान मोटर्स का एक तगड़ा लॉन्च होने वाला है, जो मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन और एमजी ग्रॉस्टर को सीधे सीधे टक्कर देने वाला है। और फोर्थ नंबर पर एक ऐसी गाड़ी लॉन्च होने वाली है जो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए लॉन्च हो रही है, ऑफ रोडर सेगमेंट की महिंद्रा थार रॉक्स, जिसमें फीचर्स के तौर पर 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है।
और 15 अगस्त को इसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और महिंद्रा की इस 5-डोर थार में मिलने वाले हैं 3 इंजन विकल्प। फर्स्ट है 2.2 लीटर डीजल, सेकंड है 2.0 लीटर पेट्रोल, थर्ड है 1.5 लीटर डीजल इंजन। गियर बॉक्स में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही होंगे और 4-व्हील ड्राइव की पेशकश की जाएगी। और थार रॉक्स में डीआरएल के साथ में एलईडी हेडलाइट, न्यू ग्रिल डिजाइन और साथ ही यहाँ पे स्पाई कैमरा। बम्पर डिजाइन में काफी कुछ बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि अन्य एलिमेंट में फेंडर पर लगे टर्न सिग्नल, रियर व्यू मिरर, थार बेजिंग। और हालांकि टेल लैंप में भी बड़ा बदलाव मिलने वाला है। सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा बड़ा बदलाव होगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, पैनारोमिक सनरूफ और साथ ही वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। और सेफ्टी को बढ़ाने के लिए इसमें एडास की फैसिलिटी भी दी जाएंगी। साथ ही स्टैंडर्ड रूप से 6 एयरबैग मिलने वाले हैं और ईबीटी के साथ में एबीएस, स्टेबिलिटी कंट्रोल और आईएसओ फिक्स्ड चाइल्ड सीट जैसे शानदार फीचर्स होने वाले हैं। और जहां तक बात है अपकमिंग लॉन्च महिंद्रा थार के प्राइस की, तो महिंद्रा थार रॉक्स का प्राइस 15 लाख से स्टार्ट किया जाएगा और उसके बाद में 5th नंबर पर लॉन्च होने वाली है एक और शानदार गाड़ी, और इसे लॉन्च करने वाला है रेनॉल्ट इंडिया 5-सीटर एसयूवी रेनॉल्ट टर्काना, जो शानदार लुक, दमदार इंजन और एडवांस फीचर के साथ में लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी को यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, यानी सेफ्टी के साथ में कंफर्ट, एडवांस फीचर सभी कुछ इसमें मिलने वाले हैं। और 4.5 मीटर लेंथ वाली इस गाड़ी का मार्केट में मुकाबला क्रेटा सेल्टोस जैसी पॉपुलर गाड़ियों से होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी शानदार 208 mm का होगा, जो डस्टर से भी ज्यादा है। लुक और फीचर्स की बात करें तो अरकाना के फ्रंट में डीआरएल के साथ में स्टाइलिश टेल लैंप और इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, बिग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीपल एयरबैग समेत कई स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और रेनो अरकाना में ऑल ब्लैक इंटीरियर का फीचर्स भी मिलने वाला है। और इसके बाद में यानी 6th नंबर पर लॉन्च होने वाली है हुंडई मोटर्स की एक मोस्ट पावरफुल 7-सीटर और ये है हुंडई की ऑल न्यू पालिसेड, जिसे कि फिलहाल ग्लोबल रूप से हुंडई मोटर्स द्वारा पेश किया जाता है। और हुंडई पालिसेड के दमदार फीचर्स में 20 इंच के एलॉय व्हील्स, हायर स्पेक मिशेलिन टायर, ऑटोमेटिक टेलगेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, नेचुरल लेदर सीटें, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेशन के लिए ट्वीन 12.3 इंच की डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और हुंडई का एडास का वर्ल्ड क्लास का सिस्टम। इंटीरियर में कंट्रास्टिंग ब्लैक एलिमेंट के साथ में कूल ग्रे कलर मिलने वाले हैं। और इसके बाद में 7th नंबर पर लॉन्च होने वाली है मार्केट में मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान का फेसलिफ्ट वर्जन और ये है डिजायर। तो डिजायर का 2024 फेसलिफ्ट वर्जन जल्द लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप न्यू डिजायर परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो सम टाइम वेट, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर लेवल पर काफी शानदार अपडेट आने वाला है डिजायर का। और सबसे पहला चेंज होने वाला है न्यू स्विफ्ट 2024 में दिया गया 1.2 लीटर का जेड सीरीज इंजन, जो न्यू डिजायर में मिलने वाला है। और 5-स्पीड मैनुअल AMT नॉर्मली इसमें होंगे और लेटेस्ट फीचर्स में इसमें सिंगल पैन सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा, जो इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम किसी कार में मिलने वाला है। इसके साथ 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, बिग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। बात करें प्राइस की तो अप्रोक्स इसका प्राइस 6.70 लाख से स्टार्ट किया जाएगा। लॉन्चिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि फेस्टिवल सीजन के आसपास न्यू डिजायर फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली, तो जल्दबाजी ना करें, डिजायर फेसलिफ्ट 2024 को ही परचेज करें अगर डिजायर परचेज करने का आपका प्लान है। और 8th नंबर पर लॉन्च होने वाली एक ऐसी गाड़ी जो मोस्ट कंफर्टेबल होने के कारण जिसे आप देखते ही परचेज करना चाहेंगे, क्योंकि इसका बजट भी काफी कम होने वाला है, और ये है निशान इंडिया की मैग्नाइट का 7-सीटर वेरिएंट। फिलहाल में मैग्नाइट का प्राइस भी केवल 6 लाख से स्टार्ट होता है और ट्राइबर पर बेस्ड होने के कारण इसका प्राइस भी अप्रोक्स 6-7 लाख के मिड में ही होने वाला है। अच्छी खासी सेफ्टी और 205 mm के जानदार ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में मार्केट में ये अल्टिका और किया क्लियरेंस को तगड़ी टक्कर देने वाली है। और मिड बजट में लॉन्च करने के लिए निशान इंडिया इसे अपने CMFA प्लेटफॉर्म पर डेवलप कर रही है और इसके लुक और फीचर्स काफी शानदार होंगे। और निशान की इस MPV में मैनुअल के साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी होगा
और इसके बाद में यानी 9th नंबर पर लॉन्च होने वाली है टोयोटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार, जो कि मार्केट में नेक्सॉन ईवी जैसे पॉपुलर गाड़ियों को सीधे सीधे कम्पीट करने वाली है। टोयोटा की इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी में 71.4 किलोवाट का पावरफुल बैटरी पैक होगा, जो 500 प्लस किलोमीटर की जानदार रेंज देगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा एग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक लगने वाली है। लुक वाइज आप इस कार को देख सकते हैं, और ये है BZ4X, जिसमें पावर बूस्ट मोड में ये एक्स्ट्रा पावर टॉर्क जनरेट करने वाली है। धांसू स्पीड और लेटेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ टोयोटा मोटर्स की अल्ट्रा एडवांस BZ4X इलेक्ट्रिक SUV स्पीड के मामले में भी काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि महज 7.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार गेन करने वाली है। और इसके बाद में यानी कि 10th नंबर पर लॉन्च होने वाली है होंडा मोटर्स की एक SUV, जिसका प्राइस 8 लाख से स्टार्ट होगा। इंजन ट्रांसमिशन की बात करें तो 1.5 लीटर वाला होंडा सिटी का इसमें इंजन होगा, जो 121 PS की पावर 145 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और होंडा WRV में 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो साइंटिफिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और इस कार को एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, यानी एक बेहद सेफ कार भी होने वाली है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। और इसके वेरिएंट्स की अगर बात करें तो होंडा WRV S और होंडा WRV VX वेरिएंट में इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी 3 वेरिएंट के अंदर। और मार्केट में मारुति सुजुकी ब्रेजा, महिंद्रा XUV 300 और टाटा नेक्सॉन किया सोनेट जैसी गाड़ियों को कम्पीट करने वाली है। और इसके बाद में 11th नंबर पर लॉन्च होने वाली है किया इंडिया की 7-सीटर गाड़ी का लेटेस्ट फेसलिफ्ट वर्जन। तो अगर आप किया कैरेंस पर शेयर करने का प्लान बना रहे हैं तो सम टाइम वेट, क्योंकि कैरेंस का आने वाला है अब एडवांस वर्जन। और किया कैरेंस फेसलिफ्ट में कई शानदार बदलाव होने वाले हैं, न्यू हेडलाइट, LED लाइट बार और न्यू कारो जैसा इसका लुक होने वाला है। इंटीरियर में आपको कैरेंस फेसलिफ्ट में जो चेंजेस मिलने वाले हैं उसमें 360 डिग्री कैमरा और ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल होने वाली है। और इस सेगमेंट में किया कैरेंस फेसलिफ्ट फर्स्ट ऐसी कार होगी जो ADAS जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स के साथ आने वाली है। बाकी इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड IMT, 6-स्पीड ऑटोमेटिक और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक मिलने वाला है। और इसके बाद में 12th नंबर पर लॉन्च होने वाली है 2024 की मोस्ट अवेटेड और टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो की अब तक की सबसे शानदार गाड़ी, कूपे स्टाइल की फर्स्ट SUV टाटा कर्व, जिसे लॉन्च किया जाएगा 7 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको फ्यूल के मल्टी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, चाहे आप पेट्रोल, डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक जो भी पसंद करते हैं, सारे ही ऑप्शंस में कर्व को अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस अल्ट्रा स्मार्ट गाड़ी को आप अपने चॉइस के फ्यूल ऑप्शंस में परचेज कर पाएंगे। और अपकमिंग टाटा कर्व इलेक्ट्रिक में सिंगल चार्जिंग पर 600 किलोमीटर की शानदार रेंज मिलने वाली है। बाकी इसके एडवांस फीचर्स में 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, पैनारोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम जैसे शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये हैं टॉप 12 अपकमिंग कार्स इन इंडिया, जिनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट बेस्ड पर बेस्ट गाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी गाड़ी के बारे में फुल फीचर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो चैनल पर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑल लेटेस्ट गाड़ियों के फुल फीचर्स, डिटेल्स, वॉक अराउंड वीडियो आपके लिए चैनल पर शेयर किए जा रहे हैं, जहां से आप परचेजिंग से पहले ऑल इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अपनी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।